हे गाइज वेलकम टू अकेडमी ऑफ नॉलेज फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द डीले काफ़ी वक्त से बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी एंड काफ़ी व्यूअर्स के कॉमेंट्स भी आए थे मैसेज़ भी आए थे सो आई एम सॉरी फॉर दैट वेल एनी वेज आई एम बैक विद अनदर वीडियो जो है लियोनार्डो दाविजी के बारे में सो लेट्स स्टार्ट लियोनार्डो विंची इटालियन रेनेसांस के एक फेमस आर्टिस्ट साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर थे ही इज़ कंसिडर्ड बाई मैनी टू बी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट पीपल ऑफ ऑल टाइम टर्म रेनेसांस मैन जो आपने भी बहुत बार सुनी होगी लियोनार्डो के टैलेंट्स देख कर ही फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया एंड आज इस टर्म का यूज़ उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो दावेंची की तरह मल्टी टैलेंटेड हैं दाविन को हिस्ट्री में आए ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट्स में से एक समझा जाता है वो मोस्टली फेमस हैं अपनी पेंटिंग्स के लिए ऑल्दो ही वॉज़ अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस पेंटिंग्स आर द मोनालिसा एंड द लास्ट सपर उनकी ये पेंटिंग्स एक्स्ट्रॉडनरी हैं वो अपने साथ एक जर्नल रखते थे जो फुल ऑफ ड्राॅइंग्स एंड स्केचेस थी कुछ थी स्टडीज ऑफ एनाटोमी कुछ साइंटिफिक स्केचेस उनकी एक मोस्ट फेमस ड्राइंग है द विट्रूवियन मैन ये एक आदमी की पिक्चर है जिसके प्रोपोर्शंस रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस के नोट्स के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट हैं उनकी अदर फेमस ड्राइंग्स इंक्लूड करती हैं डिज़ाइन ऑफ अ फ्लाइंग मशीन एंड अ सेल्फ पोर्ट्रेट दाविनची के मोस्टली जर्नल्स एंड ड्राइंग्स उनकी साइंटिफिक नॉलेज एंड इन्वेंशन से भरे हुए हैं उनके जर्नल्स वर्ल्ड में उनके द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस के साथ थर्टीन थाउजेंड पेजेस से भरे हैं उन्होंने हैंग ग्लाइडर्स हेलीकॉप्टर्स वॉर मशीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स एंड डिज़ाइंस ड्रॉ कर रखे हैं लियोनार्डो दाविंची एक प्रोमिनेंट नेम थे ना सिर्फ रैनिसानस के दौरान बल्कि आज भी आर्ट वर्ल्ड में एक वेल नोन नेम है वो एक प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल एंड वन ऑफ़ द लीडिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने खुद के लिए रेनेसांस के दौरान एक नाम बनाया ना सिर्फ आर्ट वर्ल्ड के इस पीरियड में आने वाले मोस्ट पीसेस के लिए जाने जाते हैं बल्कि थ्रू आउट एनी पीरियड ऑफ टाइम इन आर्ट हिस्ट्री ऑफ़ कोर्स द लास्ट सपर एंड मोनालिसा आर वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पीसेस बट दाविंची ने अपने करियर में इनके अलावा भी कई अदर सीरीज ऑफ वर्क्स प्रोड्यूस किए और ऐसे पीसेस क्राफ्ट किए जो आज तक मास्टरपीस समझे जाते हैं तो आइए पहले जानते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में लियोनार्डो दाविंची 1452 में विंची प्रोविंस जो इटली में है वहाँ पैदा हुए थे सर पियरो एंड एक पेजेंट गर्ल कटरीना के घर वो उन दोनों के इलेजिटमेट चाइल्ड थे पैदा होने के बाद कस्टडी उनके फ़ादर सपियर ने ले ली अपने फादर के घर में लियोनार्डो के पास बुक्स का अच्छा खासा एक्सेस था और इसी तरह विंची प्रोविंस के पेंटिंग ट्रेडिशन के कॉन्टैक्ट में फ़र्स्ट टाइम आए उन्हें साइंस एंड नेचर में बचपन से ही इंटरेस्ट था और इस नॉलेज ने उन्हें इन चीज़ों को उनके आर्ट वर्कस में डिपिक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया इसने ना सिर्फ उन्हें एक पेंटर बनने में हेल्प की बल्कि एक स्कल्प्टर ड्राफ्ट्समैन एंड इन्वेंटर बनने में भी उनका वर्क आर्ट वर्ल्ड में ना सिर्फ वेल नोन बना बल्कि इसने उस वक्त के अदर आर्टिस्ट्स को इंस्पायर भी किया जो इवन आज तक आर्टिस्ट को इंस्पायर करता आ रहा है आगे चलकर दाविन को उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग यूनिक पर्सपेक्टिव के लिए रेनेसांस पीरियड में एक प्रोमिनंट फिगर समझा जाने लगा जब लियोनार्डो चौदह साल के थे उनके फादर ने उन्हें एंड्रिया वरोशियो के अंडर अप्रेंटिसशिप करने के लिए भेजा इस दौरान उनका टैलेंट क्लियरली उनके वर्क में दिखने लगा था नेक्स्ट छः साल तक उन्होंने डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स एंड टेक्निकल स्किल्स सीखे जो थे मेटल वर्किंग लेदर वर्किंग द आर्ट्स कार्विंग स्कल्पिंग एंड ऑफकोर्स ड्राॅइंग एंड पेंटिंग अकॉर्डिंग टू अ सोर्स लियोनार्डो ने वरोशियो के साथ उनकी बाप्टिज़म ऑफ क्राइस्ट पेंटिंग के लिए कोलेबोरेट किया था एंड इस पेंटिंग को बनाने के दौरान वरूषियों ने पाया लियोनार्डो का वर्क उनसे फार सुपीरियर था जिस वजह से वो इतना शौक हुए कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने कभी दोबारा पेंट ब्रश नहीं उठाया 1472 तक बाई द एज ऑफ 20 वो एक मास्टर क्लासमैन बन चुके थे इवन खुद की ही एक वर्कशॉप भी ओपन कर ली थी उनका अपने टीचर वुरुशियों के साथ अटैचमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो हमेशा उनके साथ टच में रहे एंड टाइम टू टाइम कलेब भी करते रहे 1476 से 78 के बीच लियोनार्डो के वर्क का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि इस दौरान उनके एंड तीन अदर यंग मैन के ऊपर सोडोमी के आरोप लगाए गए थे जिस वजह से सोडोमी कमिट करने के आरोप में कुछ साल पब्लिक आई से दूर रहे देन लिविंग मेक करने के लिए उन्हें काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े 1482 में लॉरेंजो मडीची ने पीस ऑफर करने के लिए उन्हें ड्यूक ऑफ़ मिलान की सर्विस अटेंड करने के लिए भेजा ये ऑफ़र एक्सेप्ट करके उन्होंने ड्यूक ऑफ मिलान की सर्विस में एंटर किया नेक्स्ट सत्रह साल मिलान में बिताए और ये इसी दौरान था जब उन्होंने साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स की न्यू हाइट्स टच की ड्यूक लियोनार्डो को पेंटिंग स्कल्पिंग एंड डिज़ाइनिंग में बिज़ी रखते बट उन्होंने साथ ही उनसे वेपन्स बिल्डिंग्स एंड मशीनरी भी डिज़ाइन करवाए 1485 से 1490 के बीच लियोनार्डो ने काफ़ी सब्जेक्ट्स पर स्टडीज़ प्रोड्यूस की इंक्लूडिंग नेचर फ्लाइंग मशीन्स जियोमेट्री मैकेनिक्स म्यूनिसपल कंस्ट्रक्शन कनाल्स एंड आर्किटेक्चर उनकी इस वक्त की स्टडीज़ में एडवांस्ड वेपन्स के डिज़ाइंस भी थे लाइक टैंक्स वॉर व्हीकल्स कॉम्बैट डिवाइसेस एंड इवन सबमरीन्स। इस टाइम पीरियड में ही उन्हें वर्जन ऑफ द रॉक्स एंड द लास्ट सपर क्रिएट करने के लिए कमीशन किया गया और इसी पीरियड में उन्होंने एनाटॉमिकल स्टडीज़ भी प्रोड्यूस की उनकी मिलान वर्कशॉप अप्रेंटिस एंड स्टूडेंट्स से भरी रहती थी अनफॉर्चुनेटली न्योनार्डो के इंटरेस्ट्स इतने सारे थे कि उनके आधे से ज़्यादा वर्क अधूरे रह गए एज अ रिज़ल्ट इन सत्रह सालों में वो सिर्फ छः वर्क ही कंप्लीट कर पाए थे जो हैं द लास्ट सपर द वर्जिन ऑन द रॉक्स डजन्स ऑफ पेंटिंग्स जो अधूरी थी दावेंची अपना मोस्टली वक्त साइंस स्टडी करने में बिताते या नेचर ऑब्जर्व करते या फिर घंटों तक खुद को कमरे में बंद कर लेते एंड बॉडीज़ कट करके उन्हें स्टडी करते वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जानने के लिए क्यूरियस थे 1490 से 1495 के बीच उन्होंने एक हैबिट डेवलप की जो थी अपनी स्टडीज़ को रिकॉर्ड करने की हैबिट उनके वर्क ने चार मेन थीम्स कवर की जो थी पेंटिंग आर्किटेक्चर एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिक्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी। बाद में ये सारी मैनिसक्रिप्ट कलेक्ट भी की गई जो आज मोस्टली म्यूजियम्स में हैं बिल गेट्स ने एक के लिए इवन थर्टी बिलियन डॉलर्स तक पे किए हैं आइए अब उनके वर्क्स के बारे में जानते हैं द लास्ट सपर लोरेंजो दी मदीची ने 1482 में दाविंची को अप्रोच किया ड्यूक ऑफ मनेको के लिए एक पीस क्रिएट करने के लिए जो एक जेस्चर ऑफ पीस था इसके साथ ही लोरेंजो दी मदीची ने दाविंची को एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्हें एक्सप्लेन किया कैसे वो एक परफेक्ट पेंटर बन सकते हैं एंड कोर्ट के लिए काम कर सकते हैं जिसके बाद दाविंची ने 1482 से 1499 तक कोर्ट के लिए काम भी किया ऑल दो इस टाइम पीरियड में उन्होंने काफ़ी इंडिविजुअल पीसेस भी प्रोड्यूस किए जिनमें से कुछ फेमस भी बने इसी टाइम पीरियड के दौरान दाविंची ने वेल नोन पीस क्रिएट किया था जो है द लास्ट सपर मोनालिसा 1505 से 1507 के बीच दाविंची को प्राइवेट वर्क क्रिएट करने के लिए अप्रोच किया गया इसी दौरान उन्होंने अपनी लाइफ का एक और मास्टर वर्क क्रिएट किया जो था द दिसा इस पीस के पीछे काफ़ी स्टोरीज़ एंड थ्योरीज हैं कुछ का कहना है कि पेंटिंग में जो विमेन है उसे जॉन्डिस था कुछ का कहना था वो औरत प्रेग्नेंट है कुछ का तो ये तक कहना था कि पेंटिंग में कोई औरत है ही नहीं बल्कि वो एक आदमी है जिसने औरत का रूप ले रखा है ऑल दो कोई थ्योरी प्रूवर नहीं है शायद इतनी थ्योरीज ही हैं कि ये पेंटिंग इतनी फेमस एंड मिस्टीरियस लगती है मोनालिसा दाविंची के लिए एक कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस था ये एक ऐसा पीस है जिसे उन्होंने कभी पूरा फिनिश ही नहीं किया क्योंकि वो इसे एंड तक परफेक्ट करने में रह गए एंड ये पेंटिंग उस कमिश्नर को कभी नहीं मिली जिसने इसे बनाने के लिए दाविंची को हायर किया था ये पेंटिंग दाविंची के साथ उनकी डेथ तक रही थी आज ये मास्टर पीस पेरिस में लगा हुआ है इसे दुनिया का सबसे थिक बुलेट प्रूफ क्लास से कवर किया गया है ये ना सिर्फ एक नेशनल ट्रेजर समझा जाता है बल्कि आर्ट हिस्ट्री में किसी आर्टिस्ट द्वारा क्रिएट किया गया आज तक का सबसे फेमस पीस माना जाता है फिफ्टीन थर्टीन टू फिफ्टीन सिक्सटीन लियोनार्डो ने अपना ज़्यादातर वक्त वैटिकन जो रोम में है वहाँ बिताया जहाँ राफाइल एंड माइकल एंजलो से भी मिले वो बात अलग है इन सभी के बीच राइवलरी थी 1515 15 में उन्हें पोप ने एक मैकेनिकल लायन प्रोड्यूस करने के लिए कमीशन किया फिर आने वाले नेक्स्ट तीन साल उन्होंने वहीं बिताए मे सेकेंड 1519 नाइनटीन दाविनची डाइड इन फ्रांस पीसफुली उनकी डेथ के ट्वेंटी इयर्स बाद डिक्लेयर किया गया दैट उनके बाद कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो लियोनार्डो के लेवल की नॉलेज रखता हो नॉट जस्ट अबाउट पेंटिंग स्कल्पचर आर्किटेक्चर बट फिलोसफी एज वेल लियोनार्डो दाविची एक रेनेसांस मैन थे जिनके पास दुनिया को आर्ट से बढ़कर बहुत कुछ ऑफर करने के लिए था जो कि शायद उन्होंने किया भी था जितना कर सकते थे उन्होंने अपने पीरियड के अदर आर्टिस्ट की तरह साइंस एंड आर्ट के बीच कोई डिवाइड क्रिएट नहीं किया बल्कि वो उन दोनों को साथ लेकर चले एंड इसी ने उनके वर्क को डेप्थ एंड कैरेक्टर दिया वो एक ट्रू आर्टिस्ट थे दाविंची की मौत के बाद ऑलमोस्ट थर्टीन थाउजेंड पेजेस के नोट्स मिले थे जिनमें इन्वेंशंस क्रिएशंस ऑब्जर्वेशंस एंड ड्राॅइंगस आर्किटेक्चर एनाटॉमी फ्लाइंग मशीनस इन सभी के डिज़ाइंस प्लांट स्टडीज़ अदर वर्क्स मिले हालांकि उनके मोस्टली आइडियाज़ थियोरेटिकल थे क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उन्हें रियलिटी में ला सकते थे बट स्टिल ही वॉज़ फार अहेड ऑफ हिस टाइम ही वंस फेमसली कोटेड दे आर आर थ्री क्लासेस ऑफ पीपल दोज हु सी दोज हु सी वन दे आर शोन एंड दोज हु डो नाट सी दाविची अपने टाइम के ना सिर्फ मोस्ट इन्फ्लुन्शल फ़िगर थे बल्कि एक लीडिंग रेनेसांस मैन थे वो अपने वक्त से काफ़ी आगे थे जो उनके वर्क्स में क्लियरली देखा जा सकता है ही वॉज़ मोर दैन अ पेंटर एक ग्रेट थिंकर थे जिसने अपने करियर में ग्रेट वर्क्स एंड इन्वेंशनस की सीरीज़ डेवलप की ऑल दो उन्हें अपने करियर के अर्ली डेज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी फ़ेस करनी पड़ी थी बट उन सभी चैलेंजेस को उन्होंने ब्रेवली फ़ेस किया और थ्रू आउट हिस्ट्री एक वेल नोन नेम बनकर निकले आज तक उनका वर्क आर्ट फील्ड में मोस्ट फेमस वर्क ऑफ आर्ट समझा जाता है एंड आज तक यंग आर्टिस्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है वेल दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो आप लियोनार्डो दाविची के वर्क के बारे में क्या सोचते हैं अपने व्यूज़ कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो डू फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इज़ वेल द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग